फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अगर डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 17 भी अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 17 सी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्किल, यानी आपको क्या गिवन रहेगा, एक सर्किल गिवन रहेगा और उस सर्किल की इक्वेशन आपको गिवन है। मान लीजिए एक सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, मैं उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, जनरल फॉर्म जो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से एक कोड आपकी पासिंग कर रही है इसे, इस कोड की इक्वेशन आप जानते हो एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कि ये सेंटर पॉइंट, आपको ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, यानी ये जो कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं कि एक सर्किल गिवन है और इस सर्किल से एक पासिंग लाइन कर रही है, तो ये कोड हो गई आपकी, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये ए पॉइंट हो गया यहाँ पे और ये पॉइंट आपको बी पॉइंट हो गया। तो देखिए ध्यान से, यहां से क्वेश्चन किस टाइप के हैं कि मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका एक्स वन कॉमा वाई वन गिवन है आपको और ये पॉइंट आपको एक्स टू कॉमा वाई टू गिवन है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इस कोड के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट कीजिए। तो अपन यहां से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में यहां पे अपन पुट कर देंगे, तो एक वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहां से अपन फैक्टराइज करके वैल्यू फाइंड आउट करके इन दोनों कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जांपल इसी पे डिपेंड, ये एग्जांपल गिवन आप ट्राई कर लेना। उसके बाद में ये जो सेंटर पॉइंट है इसके मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं एच कॉमा के, ठीक है। तो रेडियस तो यहां से आ जाएगी और ये आपकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी। और अपन जानते हैं एक थ्योरम आती है आपकी 10th क्लास के अंदर, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि मैं सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करूं तो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। यदि मेरे पास में ये वाली साइड, ये तो रेडियस है आप जानते हैं, ये तो आर की वैल्यू है और ये वाली जो लेंथ है आने के बाद में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ आ जाएगी और इसी लेंथ का ये डबल होगी, यानी मैं लिख सकता हूं इसको एम ले लो, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि जो ए बी की वैल्यू है वो टू इंटू ए एम होगी, या तो इसे फाइंड आउट कर लो या डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाली वैल्यू आप जानते हो कि मान लीजिए कि ये आर की वैल्यू आ जाए और ये मैं मान लेता हूं कुछ भी x मान लो, ये x आ जाए तो ये लेंथ कितनी आएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से आ जाएगी, ठीक है ना। ये ध्यान से एक्स स्क्वायर लिया ना, एक्स स्क्वायर से आ जाएगी और इसी का ये डबल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो या फिर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये कब आएगा, जब ए कोऑर्डिनेट और बी पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में आएगा, ठीक है ना। तो इस पे आपका एग्जांपल गिवन, आपको आप चेक कर लेना, एग्जांपल नंबर 6 आपको गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आने के बाद में ये भी आ जाएगा, ठीक। कई बार क्वाड्रेटिक मान लीजिए कि इस इक्वेशन से मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट करूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, फैक्टराइज करना बहुत बड़ा हार्ड बन जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो उससे अपन कैसे क्वेश्चन, यानी उससे उसका यूज करके अपन कैसे इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे वो भी अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग है इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन। और फिर एग्जांपल नंबर 7 आपको गिवन है, ये जो परपेंडिकुलर जो लेंथ है ये सीएम कैसे फाइंड आउट करके इस कोड की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो दोनों आप एग्जांपल कर लेना, आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको गिवन है और टेंजेंट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका एग्जांपल नंबर 9th और 10th को देख लेना आप, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, ये कि मान लीजिए कि सर्किल आपको गिवन है, इस सर्किल पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे आपका एक टेंजेंट है पी पॉइंट x1 कॉमा y1 से और ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है सी,
एच कॉमा के, और ये आप जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपन जानते हैं ना कि सर्किल के टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्या आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आप सेंटर से ज्वाइन करवाओगे तो एज ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। तो परपेंडिकुलर वाले जो फॉर्मूला लेंथ ऑफ यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ये जो लेंथ आपकी सीपी है, इसके लिए अपन फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो, एस एस एम यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करके आप सीपी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड केस के अंदर ये है आपका, ठीक है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी, क्या है, टेंजेंट इन टर्म ऑफ एम, यानी टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है किस टर्म में, एम की टर्म में। तो देखो फाइंड आउट करते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन दो कंडीशन के डिपेंड जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करना, और इन दोनों कंडीशन को आप नो डाउन कर लेना, ठीक है। ये कोट पे बेस्ड था या टेंजेंट पे बेस्ड है, नेक्स्ट जो हेडिंग आपकी वो है कि टेंजेंट इन टर्म ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ एम, ठीक है, एम की फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, अब मैं बात करूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए कंडीशन की मैं बात करते हैं, पर सबसे पहले आप सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ना, मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो डायरेक्ट लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्किल आप जानते हो कि आर स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कौन सा सर्किल आपका, कि ऐसा सर्किल जिसका सेंटर पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट पे लाइक कर रहा है 0.0, ये सेंटर है आपका इसका। एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि अगले ने क्या बोला, एम के फॉर्मेट में, एम क्या यहां पे आपका ये स्लोप है, एम क्या आपका यहां पे स्लोप है, ये क्या आपका स्लोप की वैल्यू है, ठीक है, ध्यान से समझना। इस स्लोप के फॉर्मेट में आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सी की वैल्यू आएगी कैसे, वो देखो इस पूरे की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसी को मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस किस फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में आप चेंज कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और टू इंटू दोनों का माइनस, तो टू इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो टू इंटू एम सी इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते हो। यहां से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दूं तो वन प्लस एम स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम सी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से देखना, यदि मैं इसकी बात करूं कि रूट्स इक्वल एंड रियल है तो उसकी कंडीशन में क्या आएंगे, जीरो। तो रूट रियल से इक्वल की कंडीशन में जीरो है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल आएगी, तो जीरो यानी डी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, बी स्क्वायर, कितनी होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आप 10 क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है ना, इसमें भी पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो कितनी हो गई, ए इक्वल तो हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 एम सी, और सी की वैल्यू सी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। चलिए यहां पे मैं पुट कर दूं वैल्यू, आपकी वैल्यू आएगी b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, और d की वैल्यू क्या कर दो मैं जीरो,
और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में कितना आएगा सी, सी की वैल्यू सी स्क्वायर। ये लीजिए, ये कब है d इक्वल टू, कब है, जब रूट्स विल बी रूट्स रियल एंड इक्वल हो, ठीक है ना, उस कंडीशन में लिख देना आप पूरा कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल के केस में d की वैल्यू जीरो आ जाएगी। चलिए इस पूरे को मैं इधर लेके आऊं तो आपकी वैल्यू, चलो इसको देखो पहले तो आप, 2 इंटू एन, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 4c² को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 4c² को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4c², ठीक है, उसके बाद में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आएगी देखो, माइनस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट और c की वैल्यू कितनी आ गई 0, c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इस कंडीशन का अपन यूज करके यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपन मिस्टेक कर दी ना, वैल्यू c की वैल्यू 0 कैसे आएगी, कहां मिस्टेक किया, ये a की वैल्यू नहीं पुट की ना, a की तो पुट हो गई ना, c की वैल्यू, ठीक है, 4ac c की वैल्यू नहीं पुट की, तो ये तो हो गया ना, x स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं किया ना अपन ने, ये a, ठीक है ना आपका, ये a है भाई, a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आएगा तो माइनस a स्क्वायर, कंपेयर करोगे तो c, कैपिटल c की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल c माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ, देखो भाई आप इसको पॉज करके देख लेना भाई, तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, अब यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी वो देखो, यहां से कितना आपका 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इस 4 इस सी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी यहां से चलो पहले तो मैं 4 इंटू इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये लीजिए इक्वल टू में आ गया आपका 0, यहां से मैं लिख सकता हूं कितना, ये 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 4 प्लस 4 ए स्क्वायर, और फिर यहां से आएगा माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है। अब आपका कॉमन तो लेते रहेंगे, पहले देखो यहां से आपका 4 सी स्क्वायर है ना, सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगी, यानी जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग है वो 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस, यानी ये प्लस का प्लस 4 m स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में कितना है 0, यहां से मैं 4 को इस 4c स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तो 4c स्क्वायर इक्वल टू ये कितना 4a स्क्वायर को कॉमन लिखो तो कितना 1 प्लस m स्क्वायर ये आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू हो गई आपकी c की प्लस माइनस a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ये वैल्यू,
केस फर्स्ट में यदि मैं पॉजिटिव साइन ले लूं, पॉजिटिव साइन यहां पे मैं पुट कर दूं, कहां पे पुट करना है आपको, इस इक्वेशन में पुट करना है c की वैल्यू। तो पॉजिटिव साइन से मैं आपकी जो इक्वेशन की वैल्यू है y इक्वल टू mx प्लस a इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। और यदि मैं नेगेटिव साइन पुट कर दूं, है ना, ये केस फर्स्ट के अंदर आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और केस सेकंड की मैं बात करूं उसमें आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए इंटू रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों को आप कंबाइन करो तो y की वैल्यू आ गई आपकी एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। यानी जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी आपकी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अपन स्लोप फॉर्म में चेंज कर दिया, जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी ना, टेंजेंट टर्म एम के फॉर्मेट में, तो ये एम के फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ए आपकी क्या है, रेडियस है, ए क्या आपकी रेडियस ऑफ सर्किल है, ये लीजिए, एम क्या आपका स्लोप ऑफ लाइन है। ये दोनों चीज आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आपकी आगे आएगी। ठीक है, चलते हैं अपन अब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका ये है और इसी इंट्रोडक्शन का अपन यूज करके आपका जो एग्जांपल 14 है और ये जो आउटसाइड जो पॉइंट आपको गिवन है उसका यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को देख लेना, करते हैं 17 सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, इंट्रोडक्शन के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, आपकी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको आप माइंड में रखना, दो इक्वेशन दी रहेगी और इन दोनों इक्वेशन को आपको इस स्लोप और इस रेडियस का यूज करके जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो कैसे आएगी यहाँ। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपको कि द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 25, कट द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए एंड बी, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट ए एंड बी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक सर्किल में ड्रॉ करूं तो ये सर्किल आपका ये लीजिए, इस सर्किल का सेंटर पॉइंट ये है और ये आपका कोड हो गई, इस कोड पे ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपको आपका बी है। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी ये कोऑर्डिनेट कितना है ये फाइंड आउट करना है। यहां से जो इक्वेशन है वो कितनी है, 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से 4y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 4y की वैल्यू कितनी, 10 माइनस 3x, y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 माइनस 3x अपॉन में 4, ये y की वैल्यू हो गई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। पुट करते हैं, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, क्योंकि आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस पूरे ये पॉइंट इस सर्किल के ऊपर है, तो ये जो पॉइंट है इस सर्किल की इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा, तो ये लाइन से मैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट एंड वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा तो यहां से एक एक्स के फॉर्मेट में एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। यानी क्या मिलेगी, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 माइनस 3x अपॉन में 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 25। इसी को मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 का स्क्वायर करो कितना 16 इंटू और ये 10 माइनस 3x इक्वल टू 25 इसका स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर प्लस ये कितना आपका 4, तो 1 अपॉन 4 में इसको ओपन करो, इसको मैं ओपन करूं तो 100 और इसका स्क्वायर करो प्लस का 9
एक्स स्क्वायर टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 60x इक्वल टू में कितना 25। पूरी इक्वेशन को मैं फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई 4 यानी 16। फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना 100 है ना, ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया ना 4 से, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम, ये 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 60 एक्स, इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये टोटल कितना 25 हो गया ना, कितना आएगा 25, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 6x 60x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको मैं फैक्टराइज करूं तो x कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आएगा तो ये 25x और माइनस का 60 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये x इक्वल टू 0 होगा या फिर और 25x माइनस 60 इक्वल टू 0 होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं 25x इक्वल टू 60, x की वैल्यू कितनी हो गई 60 अपॉन में 25, और कैलकुलेट करोगे 5 से आप काटोगे तो 12 अपॉन में 5 ये वैल्यू आ गई, ये लीजिए ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब केस फर्स्ट ठीक है ना, केस फर्स्ट की मैं बात करूं कि x इक्वल टू 0 यहां पे आप पुट करोगे तो y की वैल्यू आ गई ठीक है ना, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना है 10 माइनस 3x अपॉन में 4, x इक्वल टू 0 में यहां पे पुट करो तो आपकी वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 4, वैल्यू आ गई 10 अपॉन में 4, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 2। तो फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट यानी पॉइंट ए कितना आ गया आपका, पॉइंट ए कितना आ गया, x की वैल्यू 12 अपॉन 5 है तो y की वैल्यू 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आप समझ गए होंगे ठीक है। उसके बाद में केस सेकंड की मैं बात करूं तो केस सेकंड की मैं बात करूं तो x की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में 5, इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं तो y इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 12 अपॉन में 5 अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। इसी को मैं सोल्व करूं तो वैल्यू आ गई ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 50 माइनस 36 अपॉन में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4 ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं 14 अपॉन में 20, कितना लिख सकते हो 14 अपॉन में 20, 2 से आप कैंसिल आउट कर दो 7 अपॉन में 10, 7 अपॉन में 10 ठीक है। यानी पॉइंट बी कितना मिला, यदि x की वैल्यू आपकी 12 अपॉन 5 है तो इसकी वैल्यू 7 अपॉन में 10 आ गई ठीक है ना, x की वैल्यू आपकी यदि ये है तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ठीक है। अब आपकी जो बुक के अंदर जो आंसर आपको गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दी हुई है ना, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन आपको, तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो देखो 2 से 5 से आप डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर 2 अपॉन में 5, इस 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 और रिमाइंडर 1 अपॉन में 2 ये लिख सकते हो, इसको भी लिख दीजिए तो ये वैल्यू तो सेम ही ठीक है, ये सेम कैसे आ गया भाई, ये 0 है सॉरी ये 0 है भाई, ये 0 है और ये 0 है ठीक है ना, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 अपॉन 2 यहां पे ये वैल्यू है तो आपकी वैल्यू हो गई कितने 2 2 बाई 5 कॉमा 7 बाई 10। अब देखते हैं आंसर इसका क्या आ रहा है, 0 कॉमा 2 1 बाई 2 और कॉमा 2 2 बाई 5 कॉमा 7 बाई 10 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी ये पॉइंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये पॉइंट कितना आपका 0 कॉमा 2 1 बाई 2 और ये पॉइंट आपका हो गया 2 2 बाई 5 कॉमा 7 बाई 10 ठीक है। देखो ये जो मैंने यहां से y की वैल्यू इसमें पुट कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली अपन सोल्व कर लिया, कई बार सोल्व नहीं होगा बड़ा टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा है ना, उसको अपन अलग तरीके से सोल्व करेंगे, ध्यान से देख लेना इस ठीक है ना।
आराम से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आप तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।